ओम शांति। आज 12 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने योग बल का महत्व समझाया। इस योग बल से आप अपने दुख दर्द मिटा सकते हैं। भले बीमारी भी आए, बीमारी में भी कभी मूर्छित नहीं होना। कई बच्चे सारा दिन बीमारी का ही चिंतन करते हैं, देह समझते हैं, देह में ही लटके रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं। ये देह भान मिटा देना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, जितना याद में रहेंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। बहुत ही गुह्य बात बाबा ने समझाई कि इस समय आप माता पिता के सम्मुख हो। माता पिता सुख घनेरे देने के लिए आए हैं, तो ऐसे माता पिता की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। कोई भी मिले उसे बाबा का संदेश जरूर देना है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि इसी समय तुम कल्प कल्पांतर की कमाई जमा कर रहे हो, न केवल एक जन्म दो जन्म के लिए, ये कल्प कल्पांतर की कमाई है। तो इस कमाई में जरा भी अलबेले नहीं होना। दुख देना घोस्ट का काम है। आप बच्चों को सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। रावण राज्य में सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। सबका उद्योग बाबा से टूटा हुआ है। अपना उद्योग भी बाबा से लगाना है और अनेक आत्माओं का उद्योग बाबा से लगाने की मेहनत करनी है। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको संदेश देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना। राम राज्य में ये घोस्ट रावण होता नहीं। एक दो को दुख देना ये घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना। राम राज्य में ये घोस्ट रावण होता नहीं। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना, खुशी में रहना है। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना, खुशी में रहना है। कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना। अगर देहाभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे कि मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो, दर्द भी कम हो जाएगा। योग में रहो, दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। जो भी कर्म भोग है, याद के बल से हटाना है। गीता, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठकर गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, ये भी फैशन है। अब बाबा कहते, सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का, इसमें माला फेरने की बात नहीं। अच्छे से समझेंगे, अब माला फेरने की बात नहीं, मन ही मन बाबा को याद करना है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमा का, इसमें ही आता है तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता। अब रचते क्या हैं, वो समझते नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। मात पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहने ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं। भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए।
पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वो तूफान में कभी नहीं गिरता। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम मात पिता, पास्ट का गायन करते हैं भक्ति मार्ग का। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई नहीं जानते कि वो मात पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हम सब ने अच्छे से समझा, हमारे सभी संबंध बाबा के साथ हैं। वो मात पिता, गुरु, टीचर, सब कुछ है। महिमा तो करते हैं ना। तो मात पिता हम बालक तेरे, तो भाई बहने हो गए, फिर विकार में क्यों जाते हो। हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं, भले घर में रहते हैं परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हैं, कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वो है, मात पिता के सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे कैसे मिलते हैं, उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही मात पिता आकर सुख देते हैं। एडम इव तो मशहूर है ना, आदि देव आदि देवी मशहूर है ना, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन, ये राज्य ही रावण का है, घोस्ट का है। रावण क्या चीज़ है कोई भी नहीं जानते हैं। अब घोस्ट तो सब में है, विकार सबके अंदर है, पांच विकार सबके अंदर है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते कि राज्य ही आसुरी घोस्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा जो नॉलेज देते हैं सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धियोग बाबा से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देते और ही बुद्धियोग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पे जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। बाबा आते हैं तो रावण पर जीत पहनाना सिखाते। दुनिया में रिद्धि सिद्धि बहुत है, एक दो को दुख देते हैं। यह घोस्ट की दुनिया, काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्यम दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सत्यों में घोस्ट होता नहीं, घोस्ट नाम बाइबल में चला आता, रावण माना घोस्ट। राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं, जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः ये गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम इव ब्रह्मा सरस्वती यहाँ ही हुए, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तो मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया, ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया, ये शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं, वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। दुनिया में बुद्धि में तुम्हें इन बातों को धारण करना है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं, वो निराकार जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है,
84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो मात पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया। ब्रह्मा को तो बुझाई बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्रादि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वो चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा आके सिखाते, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते अपने घोट तो नचा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। बुद्धि का योग एक बाबा के साथ। यहाँ बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधियों में, या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम बाबा को याद करते हैं, याद से दर्द कम हो जाता है। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए, मात पिता जो पावन बनते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगना भोगनी होती, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जब शिव बाबा को याद करते हैं तो बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजीत नहीं होते, समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह भान में रहते हैं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। बाबा आकर कब्र से निकालते हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, बार में छोटे बच्चे मात पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है। ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भले माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है वो सत्यानाश कर देता है। अगर मोह का संस्कार है तो सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। मोह क्या करता है? बंदर बंदरी बना देता है। जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है? ये मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देते। इनसे ही अक्षर मिलते हैं मात पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते, लेकिन अर्थ कुछ नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण ज़्यादा पुजारी बने, अब फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उसमें भी नंबरवार है, कर्म का भोग होता है, उसको योग से हटाना है। जो भी कर्म भोग आए तो कैसे ठीक करेंगे? योग बल से, बाबा की याद से। दी अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। मात पिता से हमें सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पे लिया, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया तो जरूर बाबा उसकी केयर करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वो है। बाबा भी हमें खिलाते हैं, हम भी उन्हें खिलाते हैं। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमें ज्ञान दे रहे हैं, फिर से ज्ञान दे रहे हैं। 5-4 वर्ष पहले जैसे दिया था, अब दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में, सतयुग में राजा प्रजाति सब हैं, पुरुषार्थ करना है,
बाबा से पूरा वर्षा लेने का, अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, अब नहीं लिया तो कल्प कल्प मिस कर देंगे। पुरुषार्थ करना है फिर इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पे चलना चाहिए, कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान रखना है, कल्प कल्पांतर के लिए पढ़ाई है। 7 रोज लक्ष्य ले फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो, भले अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाबा से वर्षा ले सकते हो, सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा ले सकते हैं, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई अच्छी नहीं लगेगी, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहनों, कहीं कहीं भोजन का प्रबंधन करना पड़ता है, धीरे धीरे बाबा कहते अभ्यास हो जाता है। तुम सब भगवान के बच्चे भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो, गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तभी तो पवित्र रहेंगे, है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप ददक का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर, सबको कब्र से जगाना है, मात पिता का शो करना है, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना, मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है, बाबा से बुद्धियोग लगाना है, भूतों से बचना है, बाबा से बुद्धियोग लगाना है। वरदान है बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिल गया, तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार की खुशी में रहो, वह रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहाँ निश्चित होता है वह निश्चिंत रहते हैं, जहाँ निश्चित होता है अधिकार वह निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। आज याद रखेंगे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ, निश्चिंत हूँ। अभ्यास करेंगे भ्रिकुटी में विराजमान, मैं तेजस्वी आत्मा, बाबा ने मुझे बेहद का अधिकार दिया है, परमात्म प्राप्ति करके मैं निश्चिंत हूं, बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं, अनुभव करें इस छत्र छाए के नीचे मैं निश्चिंत हूं, बाबा ने मुझे हर चिंता से मुक्त किया है, अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे, बारे में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, निश्चिंत आत्मा, बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने ऊपर आता देखें,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।